दिया बाती के सूरज सा को मिली है नई संध्या, और आज ये नई संध्या दुल्हन जैसी बनकर सूरज सा के घर में प्रवेश कर रही है, क्योंकि आज सूरज और लालिमा की सगाई जो है, हालांकि सूरज को तो पता ही नहीं है कि उसकी सगाई लालिमा से हो रही है, क्योंकि उसे तो हर जगह बस संध्या ही नजर आती है। लेकिन फिर भी कहीं लालिमा को सूरज सा के दिमागी हालत का अंदाजा ना आ जाए, इसलिए मीना बिंदनी ने एक नई तरकीब निकाली है। सगाई की अंगूठियां दुल्हा दुल्हन आईने में देखकर पहनाएंगे। लेकिन ये वाली सगाई ना कुछ अलग तरीके से होगी। अब भाई दूल्हा दुल्हन है ना, वो एक दूसरे का चेहरा देखेंगे नहीं, बल्कि आईने में देखकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। हाँ। मुझे हर लड़की में संध्या नजर आती है, क्योंकि संध्या से ही मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। अरे अठे ये संध्या गई कटे, जो दीवान लगा रखा था उस पे हाँ, मैं बैठी, बैठी। इस साइड मुंह करके बैठा हुआ था, वो दूसरी साइड मुंह करके बैठी हुई थी। हमने एक दूसरे को, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है। तो बोलू क्यों बन गयो रे मारा छोरा। लालिमा बेचारी कहाँ जानती है कि जिस सूरज के बेटे को गोद में बिठाकर उसे कहानी बता रही है, वो सूरज उसे चाहता ही नहीं है, और ना ही उसका बेटा। बिल्कुल, आप किसी भी बच्चे को अगर उसकी माँ की जगह किसी और को देना चाहो तो वो बच्चा खुश नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मेरी और देव की बॉन्डिंग अच्छी हो। जो भी हो, यहाँ ड्रामा खूब होने वाला है। मीना बिंदनी अपने होने वाली जेठानी के पाँव छुएगी और एमिली को भी झुकने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि लालिमा मुंबई के गोरेगांव से सूरज सा के लिए अंगूठी जो लाई है। हाँ, शायद पुष्कर में ऐसी अंगूठी नहीं मिलती होगी। मुझे नहीं पता कि सूरज जी को नहीं पता है कि वो मुझसे सगाई करने वाले हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद ऑल दिस थिंग्स। एंगेजमेंट तो हो गई और अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं एंगेजमेंट में जिसमें मुझे डाउट हो। बाबू भी अपने सूरज की दूसरी शादी करवाने के लिए बनावट कर रही है, और सूरज इतना भोला बन गया है कि उसे तो कुछ सुध ही नहीं कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी तो सबके गले मिलकर सगाई की बधाइयां पा रहा है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।